मूर्धम स्निग्धम मधुरमुरली माधुरी वीरनादेह कारम करण विवशम गोकुलम व्याकुलत्वम् श्यामं कामं मृगजनमनो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतु महो वल्लभी वल्लभम् नः विश्वं दर्पण दृश्यमानमिति तुल्यं यान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिव भूतम् यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमिदम् श्रीदक्षिणामूर्तये नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये स्मे तं शृङ्गमहम् भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यम् परम धाम जगद्धाम नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्री प्रियाम के युगल पावन पवित्र चरणारविंद में साष्टांग प्रणिपात परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंद में बारंबार वंदन परमादन पूज्य संत वृंद पूज्य विद्वत वृंद भगवान की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद साधक वृंद एवं
एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने जीवन मन की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में हैं मैं बारंबार वंदन करता हूं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, मां गंगा के पावन पवित्र गोद में, पूज्य संतों की तपस्थली में हम सब बैठ करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए यहां आनंदित हो रहे हैं। शास्त्रों में चार प्रकार की कृपाओं का वर्णन है, ईश कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। ईश कृपा का ही प्रतिफल है कि हम सब लोगों को ये मानव शरीर मिला हुआ है। मानव शरीर किसी कर्म के पुरुषार्थ से नहीं मिलता, अपितु भगवान की कृपा से ही मिलता है। आप सब रामचरितमानस में गुनगुनाते रहते हैं, आकर 484 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, कबहुक करी करुणा नरदेही। चार प्रकार की खानों में 84 लाख प्रकार की योनियों में ये जीव घूमता रहता है। भगवान की कभी करुणा भरी दृष्टि, अनुग्रह भरी दृष्टि वह देखते हैं तो ये जीव को मनुष्य शरीर मिल जाता है। मनुष्य शरीर हमने अमुक प्रकार का अच्छा कर्म किया था, या बहुत दान दिया था, या बहुत यज्ञ किए थे, इसलिए हमको मनुष्य शरीर मिला है, ऐसा नहीं है। मनुष्य शरीर मिला है भगवत कृपा से ही, और वो कृपा भी अहेतुक ही है, कोई इसमें हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो निश्चित रूप से हम सब ईश्वर के कृपा के पात्र हैं। अगर ईश्वर की कृपा के पात्र न होते तो निश्चित रूप से मनुष्य शरीर नहीं मिलता, और वही ईश्वर जब करुणा करता है, कृपा करता है तो सदगुरु बनकर आ जाता है। निश्चित रूप से उनकी ही कृपा है, अगर उनकी कृपा न होती तो आप गंगा की गोद में यहां गीता भवन में बैठ करके कथा सुनने के लिए नहीं होते। यह गुरु कृपा है कि हम ज्ञान की ओर अग्रसित हो रहे हैं, ज्ञान की ओर हम बढ़ रहे हैं। यह गुरु कृपा के अतिरिक्त हो ही नहीं सकता है। और जो हम लोगों को रामायण, भागवत, उपनिषद, गीता आदि ये शास्त्र सुनने को मिलते हैं, निश्चित रूप से ये शास्त्र कृपा ही है। गुरु कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, ईश कृपा हमारे ऊपर है, शास्त्र कृपा भी हमारे ऊपर है। अब यदि आवश्यकता है तो अपने ऊपर अपनी कृपा करने की। अगर ये अपने ऊपर अपनी कृपा बन जाए तो काम बन गया। आप कहेंगे अपने ऊपर अपनी कृपा कैसे, संपत्ति नहीं मिलती है तो हम रो पड़ते हैं, सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो हम रो पड़ते हैं, सम्मान नहीं मिलता है तो हम रो पड़ते हैं,
हमारी बात नहीं मानी जाती है परिवार में तो हम रो पड़ते हैं, क्या कभी हमारे आंखों में इसलिए भी आंसू आए कि जिसने ऐसी हमारे ऊपर हेतु कृपा की है कि ये दिव्य मानव शरीर दे दिया है, दुर्लभ शरीर दे दिया है, बहुमूल्य शरीर दे दिया है, वह हमको कभी मिले। भूख उठनी चाहिए, कभी एकांत में बैठे हों और एकदम चित्त वृत्ति जाए कि जीवन में सब कुछ मिला किंतु जो मिलना चाहिए था वही नहीं मिला, जो प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला था वही नहीं मिला और सब कुछ मिल गया, उसको पाने के लिए भूख उठनी चाहिए, उसको पाने के लिए एक चित्त में प्यास जगनी चाहिए। आप लोगों ने कई बार सुना होगा इंद्र के साथ युद्ध करता हुआ वृत्रासुर, असुर है और युद्ध में इंद्र को कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर युद्ध को विश्राम दो। क्या बात है? बोले हम अपने प्यारे से दो बातें करना चाहते हैं। क्या दो बातें करना चाहते हो? रणांगण में जो उसने भाव अव्यक्ति व्यक्त की है, मनाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, मुझे स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, ब्रह्मा का भी पद नहीं चाहिए, तो भूमंडल के राजा बनना चाहते हो? बोले यहां का भी राज्य नहीं चाहिए, तो रसातल का आधिपत्य चाहते हो? वहां का भी आधिपत्य नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत बड़े योगी बनना चाहते होगे? बोले योगी भी नहीं बनना है। तो मोक्ष चाहते होगे? क्योंकि मोक्ष बहुत दुर्लभ है। बोले मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या तुम्हें? ब्रह्मा का पद चाहिए नहीं, स्वर्ग का स्थान चाहिए नहीं, इंद्र बनना नहीं है, पृथ्वीमंडल का राजा बनना नहीं है, योगी बनना नहीं, सिद्ध बनना नहीं, मोक्ष चाहिए नहीं, तो चाहिए क्या? उन्होंने कहा कि प्रभु यदि आप देना चाहते हो तो विरह्य कांक्षे, हम आपका विरह चाहते हैं। हमारे आराध्य गुरुदेव कई बार गुनगुनाया करते थे, नी कहूं श्याम काहू कुंदन में फिरत हुई है, नी कहूं श्याम काहू कुंदन में फिरत हुई है, भुज भरी बेटियों को ही उमगत है। कभी ऐसा लगे कि ये श्याम सुंदर होंगे कहीं और उनको अपनी भुजाओं में भर ले। वहां विरह की इतनी बड़ी दिव्य बात कही गई है। विरह भी कैसा चाहिए? किस ढंग का विरह चाहते हो? तो कहा अजात पक्षा इव मातरम खगाहा। आप लोगों ने शायद कभी देखा हो पक्षी के घोंसले में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अजात पक्षा का अर्थ यही है अभी पंख नहीं आए हैं, अभी वो उड़ना नहीं सीखे हैं, इधर उधर जाना नहीं सीखे हैं, केवल जो माता पिता के आश्रित हैं, अजात पक्षा कहने का अभिप्राय यही है। उन
उनको अभी अपबल भी नहीं है, तपबल भी नहीं है, बाहुबल भी नहीं है, कोई बल नहीं उनका। केवल उनके जीवन का आश्रय यदि कोई है तो उनके माता पिता हैं, एक आश्रय है। और उन पक्षी के बच्चों को जब भूख लगती है तो जैसे वो अपने माता पिता को पुकारते हैं वैसे हम आपको पुकारें, वैसे वो हमारे अंतकरण में आपके लिए निकले। दूसरा भाव जो रखा वो भी बड़ा अद्भुत है, स्तन्यम यथा वस्य तरा क्षुधारता। स्तन्य माने होता है जो गैया मैया का बछड़ा अभी केवल मां के दूध पर ही जीवित है उसका नाम स्तन्य है, अभी पानी पीता नहीं है, चारा खाता नहीं है, घास आदि खाता नहीं है, केवल मां का दूध ही उसका जीवन है। जैसे वो बछड़ा जिसका जीवन मां का दूध ही है और जब उस बछड़े को भूख लगती है और वह अपनी मां को पुकारता है, कभी आपने शायद पुकार सुनी होगी, बां बां बां, भले वो बां बां करता है किंतु यदि गौर से सुनो तो ऐसा लगता है कि जैसे मां 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 पुकारता हो। जैसे वो मां मां करके पुकारता है वैसे ही हमारे अंतकरण में आपके लिए पुकार निकले, प्रियम प्रियव विशुतम विशरणा मंगोरविंद्राक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे कमल नेत्र, हे अरविंद नेत्र, जैसे प्रेमी अपने प्रेमी को निहारना चाहता है, देखना चाहता है, वैसे मैं आपको देखना चाहता हूं, आप उसी प्रकार से हमें दर्शन दीजिए। बाबा ने बड़ी रसीली बात और कह दी, इससे अंतरंग बात बाबा ने और कही, कामी नार प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमी धाम। हमारे अंतकरण में प्रारंभिक भक्ति तो कामी के समान होनी चाहिए, प्रारंभिक स्थिति कामी के समान होनी चाहिए, किंतु बाद की स्थिति कामी जैसी नहीं होनी चाहिए, बाद की स्थिति लोभी जैसी होनी चाहिए। आप कहोगे ऐसा कैसे, वासनावान को जब तक नारी नहीं मिलती है तब तक तो उसके चित्त में बेचैनी रहती है, किंतु नारी मिल जाने के बाद वासना पूरी हो जाने के बाद फिर वो बेचैनी रहती है, फिर वो चाहत रहती है, वो चाहत समाप्त हो जाती है, वह उतना उत्कंठा नहीं रहती, उतनी तड़प नहीं रहती है। तो प्रारंभिक स्थिति में तो ठीक है बेचैनी वैसी हो, किंतु बाद की स्थिति होनी चाहिए लोभी के समान। लोभी के समान का अभिप्राय, लोभी को चाहे कितना धन मिल जाए उसको संतोष होता है कि लोभ और बढ़ता है, जिन प्रति लाभ हो लोभ अधिकारी, जितना लाभ बढ़ता है उतना ही लोभ बढ़ता है। मैं एक दिन संत से प्रार्थना कर रहा था कि ऐसी कृपा करो कि जैसे धन के प्रति लाभ होने के बाद लोभ और बढ़ता है, वैसे भजन के प्रति भी कभी तृप्ति न मिले कि बस अब हो गया, अब संतोष है। कितना भी भजन हो, कितना भी साधन हो, कितना भी उनको हम पुकारें,
किंतु अभी लगे कि वो पुकार में वह पीड़ा नहीं आई, जिस पीड़ा को सुनकर शायद परमात्मा प्रकट होते हो। अभी पुकार में वह बल नहीं आया जिस बल के कारण जीवन धन आकर के आंखों के सामने प्रकट हो जाते हो। ललक बनी रहनी चाहिए। अच्छा, ये प्रेम, ये ललक मिलेगी कहां से, हमको कैसे मिले? हमारे श्री मसूदन सरस्वती महाभाग कहते हैं, क्रियताम क्रियताम कुतो भी लभ्यते, खरीद लो खरीद लो, कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, क्या खरीद लें? कृष्ण भाविता मति, कृष्ण भाव से भरी हुई मति खरीद लो, बुद्धि खरीद लो। तो बाबा, ये मिलेगी कहां से, इसका मूल्य क्या है, किस बाजार से मिलेगी, इसका मूल्य क्या है? इसका मूल्य है लोल्य, केवल केवल प्यास, केवल प्यास। तो ये प्यास हमारे जीवन में जगे कहां से? प्यास नारायण जगने का साधन एक बड़ा रसीला है। भागवत में भगवान कपिल ने अपनी मां को बताया, भगवान कपिल ने कहा कि मां प्रार्थना करो। मां ने पूछा, क्या प्रार्थना करें, परमात्मा मिले? बोले, नहीं नहीं, परमात्मा मिलने की प्रार्थना नहीं करनी है अभी, अभी प्रार्थना करो कि महात्मा मिले, अभी प्रार्थना करो कि महात्मा मिले, क्योंकि मुझे तो परमात्मा से ज्यादा दुर्लभ महात्मा लगता है। हमको तो परमात्मा मिलना सरल लगता है, महात्मा मिलना कठिन है। तो महात्मा मिले, और यदि हमारे जीवन में महात्मा मिल जाएगा, नारायण में निवेदन कर दूं, महात्मा की पहचान आप लोग कभी वेश में मत खोजना कि अमुक वेश में महात्मा मिलेगा, अमुक कपड़े पहने होगा, अमुक वेशभूषा होगी। आज तक हमें कहीं भी साधु की वेशभूषा पढ़ने को नहीं मिली, महात्मा की एक कंठी पहने कि ऐसा तिलक लगाए कि ऐसी वेशभूषा हो तो महात्मा है। महात्मा की कुछ अपने विशेषताएं हैं, तो महात्मा की कुछ विशेषताएं वहां सुनाई गई हैं। पहले तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। साधु की पहली पहचान है तितिक्षवः, सहनशील होता है, सर्दी सहन करता है, गर्मी सहन करता है, मान सहन करता है, अपमान सहन करता है। गीता में अप्रतिकार पूर्वकम सहनम सर्व दुखानाम, अप्रतिकार पूर्वकम। तो तितिक्षवः कारुणिकः, हृदय में करुणा हो, और सर्वदेहिनाम सुहृदः, केवल अपने परिवार वालों का सुहृदय ऐसा नहीं, हम अपने परिवार वालों के तो सभी सुहृद हैं, कई लोग परिवार से ऊपर उठते हैं तो अपने जाति वालों के लिए सुहृद है, अमुक अमुक सभा के लिए सुहृद है। साधु जाति में नहीं है अभी, उसके लिए तो सर्वदेहिनाम सुहृदः, सर्वदेही नाम मैंने सब शरीर वाले के लिए वह सुहृद है, किसी शरीर का क्यों ना हो। मैंने गंगा किनारे एक महापुरुष के दर्शन किए,
अद्भुत महापुरुष अभी तो शरीर नहीं है, कौपीन केवल पहनते थे, गंगा किनारे रेत में बैठे थे। किसी महापुरुष ने ही उनका परिचय कहा था कि वहां जाना, तो मैं गया, कुछ वेदांत विषय प्रश्न पूछा था, महर्षि उस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे और उत्तर देते देते पता नहीं बीच में कोई प्रसंग तो था नहीं ऐसा, महाराज जी बोले रे 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 बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, मर जाओगे, चलो अंदर चलो। वो प्रसंग के अंदर अंतर्गत वार्ता नहीं थी वो, कि बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, मर जाओगे, अंदर चलो, अंदर चलो। मैं कुछ समझ नहीं पाया कि महाराज जी इतना गंभीर विषय प्रतिपादन कर रहे हैं और इतने रस में हम लोग डूबे हुए हैं और अकस्मात बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ, अंदर चलो। जब सत्संग का सत्र पूरा हुआ, हम लोग निकल रहे थे, तो मेरे चित्त में आया कि मैं पूछ लूं, और महर्षि से मैंने पूछ लिया प्रणाम करके, महाराज जी ये बीच में आप कुछ बोलने लगे थे, वो कुछ गड़बड़ा गया था मामला, कुछ समझ में नहीं आया कि बाहर मत जाओ, वो हम लोगों के लिए कुछ संदेश था, क्या कहना चाहते थे? महाराज जी हंसने लगे, बोले तुम्हारे काम की बात नहीं, तुम्हारे काम की बात नहीं। वो कई बार एक बात को बोले, तो हमने कहा कि महाराज जी नहीं है तो बता दिए, शायद कभी हो। तो महाराज जी हंस करके बोले कि कुछ दिन पहले इस शरीर को कुत्ते ने काट लिया था, तो उसका असर है। तो हमने कहा प्रवचन में तो उसका असर कहीं समझ में नहीं आया, पूरी संगति में कहीं असर नहीं समझ में आया, ये कैसा असर है? तब फिर उन्होंने जांग दिखाई, जांग में एक घाव था, उसमें कीड़े पड़े थे, तो दिखा करके बोले ये कीड़ा बाहर जा रहा था, तो ये कीड़ा जो शरीर के बाहर जाएगा तो बाहर धूप है, हवा है, मर जाएगा, उसका जीवन अंदर ही है, तो मैं उसको कह रहा था कि अंदर चलो, बाहर मत जाओ। मुझे कमाल का लगा कि ऐसा भी कोई साधु होता है। उस दिन हमको ये भागवत की पंक्ति लगी, सुहृद सर्वदेही नाम, सब देहधारियों का सुहृद है, चीटी से लेकर हाथी पर्यंत सबके मंगल की कामना, और अजात शत्रव साधु का कोई शत्रु नहीं होता है, ध्यान रखना। साधु से कोई शत्रुता माने वो अलग बात है, दुर्जन लोग सज्जन पुरुषों से दुष्टता के कारण द्वेष मान करके बैठ जाते हैं, किंतु साधु के अंतःकरण में किसी के प्रति दुश्मनी होती ही नहीं है। और नारायण में निवेदन करूं, दुश्मनी तो अज्ञानी की होती है, मूर्ख को होती है, न भक्त को दुश्मनी होगी, न कर्मकांड वाले को दुश्मनी होगी, और न ज्ञानकांड वाले को दुश्मनी होगी। कर्म के आधार पर भी जीवन जीने वाले के जीवन में कभी दुश्मनी का स्थान नहीं हो सकता है, और भक्ति के स्थान महाराज आधार पर जीवन वाले जीने वाले को कहीं दुश्मनी का स्थान ही नहीं है, और ज्ञानी के लिए तो असंभव ही है। आप कहोगे कर्म में दुश्मनी का स्थान क्यों नहीं है? सीधी साधी बात है, आप सब बिल्कुल समझ जाएंगे, कर्म का सीधा साधा मामला है, जो भी हम अभी भोग रहे हैं वो हमारे कर्म का ही प्रतिफल है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये शुभ और अशुभ जो कर्म मेरे द्वारा बने हैं उन्हीं के प्रतिफल में ये हमको ताप मिल रहा है। अब ताप देने वाला व्यक्ति यदि कोई सामने आपको नजर आ रहा है, आप विचार करना, तो क्या वो ताप का कारण है कि ताप का निमित्त है? कारण वो नहीं है,
कारण तो हमारे कर्म है, और जब कारण हमारे कर्म है तो हम किसी से दुश्मनी कैसे करेंगे? दुश्मनी का स्थान ही नहीं है। रामचरितमानस में आप सब जानते हैं कि जिस समय निषाद को विषाद हुआ, क्योंकि कुछ सैया में सोए हुए रघुइया को देखकर बड़ी पीड़ा हुई, और उस सैया में शयन कराने का यदि विचार किया कि यहां तक किसने पहुंचाया, तो सामान्य व्यक्ति की दृष्टि तो यही है कि कैकेयी ने पहुंचाया। यदि कैकेयी या वर नहीं मानती कि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो आज राम राजा होते, इसको सैया में दुख पा रहे हैं। यदि किसी कारण तो हेतु यदि कोई है तो कैकेयी हेतु है। मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूं, जब जीवन में विषाद आए तो किसी संत की शरण ग्रहण कर लेना, किसी जागे हुए व्यक्ति की शरण ग्रहण करना, सोए हुए व्यक्ति की नहीं। और जागा हुआ व्यक्ति कौन है? बाबा हमारे कहते हैं, मोर निशा सब सोवनी हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, इन्हीं जग जागई जामिन जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। तो रात्रि में जब निषाद को विषाद हुआ तो जगा हुआ कौन था? श्री लखनलाल जी जगे हुए थे, वैसे रात्रि में जग रहे थे, और वैसे ही विषयों से प्रपंच से वियोगी थे ही। और वो जाकर के अपनी बात रखी कि मुझे तो बहुत दुश्मनी हो रही, द्वेष आ रहा है कैकेयी के प्रति। लखनलाल जी ने कहा, क्यों आ रहा है? तो बता दिया कि ऐसे ऐसे हेतु है, ये कारण है। लखनलाल जी ने बहुत बढ़िया बात कही। लखन ने कहा, कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही कर्म का फल भोग रहे हैं। साफ साफ हो गया कर्म का सिद्धांत। तो अपना कोई अपमान करे, अपनी कोई उपेक्षा करे, अपने को कोई गाली दे, अपना धन हरण कर ले, यही हानि, और क्या हानि है? और हमारी क्या हानि हो सकती है? तो आप क्या करेंगे? हम जो दुश्मनी कर बैठते हैं, कर्म सिद्धांत वाला दुश्मनी नहीं करेगा। जाने दाखी ये तो ऊपर से मामला हो रहा है, ये केवल बेचारा करता हुआ दिख रहा है। मैं तो कई बार लोगों को प्रश्न पूछता हूं, आज के समय जैसे कोरियर मैन आपके घर में आता है कोरियर देने के लिए, अब वो पत्र दे जाता है, जो भी पत्र आएगा, चाहे गाली भरा पत्र हो चाहे स्तुति भरा पत्र हो। अब कोरियर मैन यदि गाली भरा पत्र दे जाए तो आप कोरियर मैन से दुश्मनी करोगे, झगड़ा करोगे कि तुमने हमको ऐसा पत्र क्यों दिया है, ऐसा लेटर क्यों दिया है? उसका तो कर्तव्य है। तो ये जो सब देते हुए नजर आ रहे हैं ना, अपमान देते हुए, उपेक्षा देते हुए, गाली देते हुए, छीनते हुए, ये सब बेचारे कोरियर मैन है। ऊपर से जो आया है आपको देकर जा रहे हैं, कर्म सिद्धांत है। और भक्ति सिद्धांत में तो भगवान के अतिरिक्त कोई करने वाला है ही नहीं। और भगवान जो करेंगे हमारे आनंद के लिए करेंगे, मंगल के लिए करेंगे। तो अब यदि ऐसा समर्पण हो, अभी मैं शिवपुराण की कथा कर रहा था, उसमें भगवान शंकर ने भगवती को नवधा भक्ति सुनाई। तो नवधा भक्ति में जो एक सख्य भक्ति है, सख्य भक्ति का जब प्रतिपादन हमने सुना कि उसके प्रति इतना विश्वास, रक्षतीति विश्वास, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हमारे आराध्य गुरुदेव को सुनाते थे दृष्टांत, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो सुनाते थे कि दो मित्र वन में गए थे कहीं, और रास्ता भटक गए,
रात्रि काल हुआ, चांदनी रात थी, दोनों थके हुए थे किंतु दोनों ने समझौता किया कि एक सोएगा और एक जागेगा, जंगल में दोनों को सो जाना उचित नहीं है। एक व्यक्ति जगता रहेगा तो कम से कम रक्षा होती रहेगी। तो एक मित्र बैठ गया, उसके गोद में सर रखकर दूसरा मित्र सो गया और रात्रि काल था, एक सर्प आ रहा था दौड़ा हुआ। तो उसने महाराज विचार किया कि यह सर्प इधर क्यों आ रहा है, हमने तो कोई उसको क्षति पहुंचाई नहीं है। तो जगा हुआ मित्र बड़ा समझदार था, बुद्धिमान था, कई भाषाओं को जानने वाला था। उसने सर्प से प्रश्न कर दिया, क्या बात है, तुम यहां क्यों आ रहे हो? बोले, तुम्हारी गोद में जो लेटा हुआ है इसको, इसका खून निकालना है, खून पीना है हमको। क्यों? पिछले दिन में इसने हमारे साथ ये व्यवहार किया था, तो खून चाहिए ना तुम्हें? बोले, हां खून चाहिए। तो बोले, वही बैठो, मैं खून देता हूं। अपनी जेब से चाकू निकाली, सोए हुए मित्र के गले में लगाया और थोड़ा सा चाकू लगाया तो स्वाभाविक था मित्र जग जाएगा। तो जगा तो उसने देखा कि चाकू इनके हाथ में, तो आंख बंद कर दी। फिर सर्प को उसने रक्त दे दिया, सर्प चला गया। प्रातःकाल उस मित्र ने मित्र से पूछा, क्यों मित्र, सच सच बताओ, तुम्हारी नींद जब खुली थी और मेरे हाथ में चाकू देखा तो तुम डरे नहीं? तो मित्र ने मुस्कुरा करके कहा कि पहले तो डरा, किंतु जब देखा कि चाकू तुम्हारे हाथ में है तो लगा कि तुम हमारा कभी अमंगल नहीं कर सकते हो। बस ये विश्वास, ये भगवत भक्ति का विश्वास है। उनसे होए न कछु बुरा, और कहो किसने कछु करा। उनसे बुरा होता नहीं और दूसरा कोई करने वाला है नहीं। ये दृढ़ विश्वास हमारे जीवन में आए तब भक्ति आई। तो यदि हम भक्त हैं, मैं बारंबार निवेदन करता रहता हूं कई बार लोगों को, कि दूसरों के प्रमाण पत्र से अपने को भक्तराज मत मान लेना। मैं पूज्य श्री भाई श्री की श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की एक घटना याद है, हमारे महर्षि उसको कई बार सुनाते थे। उस समय वो गीता प्रश्न ही थे, तब की घटना है। जैसे अभी उज्जैन का कुंभ है वैसे इलाहाबाद का कुंभ था। एक प्रतिष्ठित संत ने पूज्य भाई श्री को बुलाया और बुलाकर उनको भक्तराज का प्रमाण पत्र देना था, किंतु भाई श्री नहीं गए, उस सभा में ही नहीं गए। तो बाद में लोगों ने पूछा कि आप गए क्यों नहीं, तो भाई श्री ने हंस करके यही कहा कि मैं भक्त हूं या अभक्त ये मैं जानता हूं, मेरे अलावा दूसरा कौन जान सकेगा। बस ये दुनिया के लोग तो महाराज इतनी इतनी बड़ी बड़ी बड़ाई कर देते हैं, इतनी इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा चढ़ा के कह देते हैं, इन पर विश्वास करने लायक नहीं है। कि भक्तराज कहने लगे, आप बहुत ज्ञानी हो, आप तो ऋषिकेश में रहते हो, बहुत सत्संगी हो, आप जैसा तपस्वी तो मैंने कुछ ने किसी को नहीं देखा, ये कुछ भी बोल सकते हैं। किंतु अपने अंतकरण का निरीक्षण करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में ऐसा विश्वास आया कि नहीं आया। अगर अभी विश्वास नहीं आया तो अभी बहुत दूर है हम। तो भक्त के जीवन में किसी से दुश्मनी नहीं होती है और ज्ञानी के जीवन में तो होने का चांस ही नहीं है। दो प्रकार से, एक तो जगत की सत्ता ही नहीं तो दुश्मनी किससे करोगे, और दूसरा आत्मस्वरूप ही सब द्वैत कुछ है ही नहीं तो दुश्मनी का कहीं स्थान है नहीं। तो दुश्मनी यदि कोई करता है तो निश्चित रूप से वह अज्ञानी है, ना समझ है, मूढ़ है, न वो कर्म का जानकार है, न भक्ति का जानकार है, न ज्ञान का जानकार है, न उसमें चलने वाला है। तो साधु वह है जो अजात शत्रु, उसकी शत्रु जन्म नहीं लेते।
मां ऐसा साधु मिले, शांत स्वभाव वाला, ऐसी प्रार्थना करो। और भी बहुत सारे गुण हैं साधु के। तो साधु के मिलने से होगा क्या? बोले साधु के मिलने से भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। बस एक ही शर्त है, स्त्री बिटा नाम इव साधु वार्ता। आपको बताएं, कामनी साधक के लिए खतरनाक है, ये तो ठीक है, किंतु कामनी से ज्यादा कामी खतरनाक है। कामनी से ज्यादा कामी खतरनाक है। आप कहोगे कामी खतरनाक क्यों है? मैं कई बार लोगों को निवेदन करता रहता हूं, कामी उसी का चिंतन करता रहता है। तो जिसका हम चिंतन करते हैं वो हमारे पूरे शरीर से निकलता है। एक महात्मा के दो शिष्य यात्रा करने निकले, तीर्थ यात्रा करने, दोनों साधक थे। संयोग से एक जगह एकांत में पहाड़ का रास्ता था, नदी पार करना था। इस किनारे पर कोई लड़की खड़ी थी, डर रही थी प्रवेश करने में। तो एक गुरु भाई ने कहा चलो मैं कंधे में तुमको चढ़ाकर पार कर देता हूं। उसको कंधे पर बैठा कर उस बहन को पार कर दिया। तीन चार महीने के बाद जब तीर्थ यात्रा करके दोनों गुरु भाई पहुंचे, गुरुदेव ने यात्रा का विवरण पूछा कैसा रहा सब। गुरुदेव बड़े कड़क थे, साधकों का बड़ा ध्यान रखते थे। तो एक गुरु भाई ने कहा कि गुरुजी यात्रा में और तो बहुत अच्छा रहा सब, किंतु गुरु भाई का एक व्यवहार बहुत खराब था। क्या व्यवहार खराब था? बताया एक लड़की को ऐसे उठाकर बाहर कर दिया। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि तुमने ये काम किया? तो आंखों में आंसू थे। गुरुजी बोले तो ध्यान भी नहीं कि हमने क्या किया। और वो लड़की थी कि लड़का हमको ये भी अभी ध्यान नहीं है। कोई दुखी था ये जरूर ध्यान है। तो गुरुदेव ने छोटे वाले को डांट करके कहा कि उसने तो दो चार मिनट के लिए ही इधर से उधर कर दिया था और तू महीनों महीनों से उस बोझा को लाद का घूम रहा है, तो खतरनाक तू है कि तेरी दृष्टि में अभी वो भूली नहीं, बार बार उसी का चिंतन कर रहा है, बार बार उसकी बात कह रहा है। तो कामी से ज्यादा काम महाराज, कामनी से ज्यादा कामी खतरनाक। क्योंकि कामी जब मिलता है तो कामनी की चर्चा करता है। जैसे अपने मारवाड़ी भाई मिलते हैं ना व्यापारी, तो पूछते हैं क्या भाव है, मिलते ही भाव की चर्चा होती कि नहीं, क्या भाव है। वैसे ही जब भक्त मिलता है तो भगवान की चर्चा होती है। भक्त के बीच में कोई संसार की चर्चा कभी होती ही नहीं है। उनके यहां महाराज ये राजनीति की चर्चा, इस समय कौन क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कोई चर्चा नहीं। हम तो महाराज आश्चर्यचकित रह जाते हैं। श्री कृष्ण की शरीर की आयु जब 90 वर्ष की थी लगभग, तब गीता का प्रवचन हुआ था। और उसके पहले श्री विदुर जी महाराज छोड़ करके हस्तिनापुर चले गए थे तीर्थ यात्रा में भागवत के आधार पर। और जब भगवान सुधाम गमन कर गए, उसके बाद विदुर जी महाराज श्री उद्धव जी महाराज की मुलाकात हुई वृंदावन की भूमि में। और उद्धव जी महाराज से विदुर जी ने प्रश्न पूछे कि श्री कृष्ण कैसे हैं, पांडव कैसे हैं। बड़ा आश्चर्य लगता है कि 35 वर्ष हो गए इस महापुरुष को तीर्थ यात्रा विचरण करते हुए, संसार का कुछ पता ही नहीं है। इतनी बड़ी घटना घटी थी, लाखों करोड़ों लोग एक जगह आपस में झगड़ करके मर गए और श्री उद्धव जी को पता ही नहीं, बुद्ध जी को पता ही नहीं है। इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया, कौन किसको विजय मिली, श्री हमारे बुद्ध जी को पता ही नहीं है। कारण क्या है कि जब छोड़ दिया तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप लोग बुरा मत मानना, हम तो ऋषिकेश में, हरिद्वार में,
जब साधकों के हाथ में पेपर देखते हैं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि ये कचरा भरना था तो घर में ही रहते, यहां काहे को आए भाई। पेपर में कचरे के अलावा क्या है? अच्छा, अपने हाथ में भी क्या है? अपने हाथ में भजन का समय, उस भजन को समय में इस कचरे में बिता देते हैं, इस कचरा भरने में। कि पेपर यहां कौन हुआ, कौन मरा, कौन जिया, कौन क्या हुआ, कचरे के अलावा कुछ नहीं। उनको तुम्हारा यहां आकर के बड़ी प्रसन्नता, यहां ना टीवी, टीवी भी नहीं होना चाहिए। क्या कचरा भरना है कि दिन भर टीवी के किनारे बैठे हुए? और आजकल बहाना और बन जाता है, उसमें धार्मिक चैनल भी हैं तो हम तो धार्मिक चैनल देखते हैं। अरे नारायण, कितना भी हो इधर उधर, जब आप चैनल बदलोगे ना तो कहीं ना कहीं कचरा दिमाग में आ ही जाएगा। और ये मन इतना बेईमान है, जन्म जन्म के इसमें वासना के संस्कार भरे हैं, जहां इसको मौका मिलता है तो चैनल बदलने में रहता नहीं है। अरे आप साधक हैं तो काट दीजिए अपने को, किसी से मतलब नहीं है, अभी हमको साधना करनी है। हम साधक बनकर के आए हैं यहां स्वामी जी के चरणों में, तो एक महीने के लिए जो भी समय जितने दिन के लिए आए हैं तो पूर्ण हमको यहां जीना है। तो श्री विदुर जी को कुछ भी नहीं पता था कि कहां क्या हुआ, और जो दोनों की चर्चा हुई तो केवल भगवत चर्चा हुई। संतों के पास दूसरी चर्चा नहीं होती। घुमा फिरा कर अगर कोई संसारी चर्चा करता भी है तो घुमा फिरा करके वो भगवत चर्चा में ले आते। उत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता, प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघाता। ये ग्राम्य कथा है विषय चर्चा, संसार चर्चा ग्राम्य चर्चा है। तो साधु का नाम स्वभाव है, साधु से मिलेंगे तो भगवत कथा सुनने को मिलेगी, और जब भगवत कथा सुनने को मिलेगी, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति व्रत कर्ण रसायना कथा। ये रसायन है भगवत कथा। तज्जोषणादा स्वपवर्ग वर्तमनी, जब उस कथा का हम सेवन करते जाएंगे करते जाएंगे। रसायन है, रसायन रसायन जो होती है औषधि, तो पहले दिन खाने पर ही रोग को निवृत्त नहीं कर देती है, धीरे 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 वह रोग निवृत्त करती है। ऐसे जब संत का संग मिलेगा तो भगवत कथा सुनने को मिलेगी, और जब भगवत कथा सुनने को मिलेगी हमारे जीवन में, उस भगवत कथा से तीन घटनाएं हमारे जीवन में घटेंगी। पहली घटना यह है कि हमारे जीवन में आएगी श्रद्धा। आप लोग सोचते होंगे कि हम श्रद्धा न होती तो यहां आते ही क्यों, श्रद्धा के कारण तो आए हैं। नारायण, ये प्रारंभिक श्रद्धा है। मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूं कि गर्दन झुकाने का नाम श्रद्धा नहीं है, गर्दन कटाने का नाम श्रद्धा है। गर्दन झुका दिए इसका नाम श्रद्धा नहीं है, गर्दन कटाने का नाम श्रद्धा है। हमारी मान्यताओं के विपरीत भी यदि दर्शन हो तब भी हम स्वीकार न करें, यही श्रद्धा घनी भूत होकर के विश्वास करो। रामचरितमानस में देखो भाई, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर ने कथा सुनी किंतु मां ने कथा नहीं सुनी, और यदि मां ने कथा नहीं सुनी तो उसका परिणाम आप सब जानते हैं कि मां को जलना पड़ा। अगर मां ने कथा सुनी होती तो याद रखिएगा, भगवान चाहे किसी रूप में मिलते मां पहचान जाती। भगवान शंकर ने कथा सुनी थी तो भगवान शंकर पहचान गए कि भले राजकुमार हैं, भले विरही हैं, किंतु है ये परमात्मा ही, और परमात्मा के रूप में ही वंदन किया भगवान शंकर ने। कथा से पहचान मिलती है,
जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले हो मनोज न सावन। वहां भी सच्चिदानंद कह के ही प्रणाम किया, और यदि दर्शन करो तो वहां सच्चिदानंद के दर्शन नहीं है, न सत के दर्शन है, न चित के दर्शन है, न आनंद के दर्शन है। आनंद में होते तो रोते क्यों, हे खग मृग हे मधुकर शेनी रो रहे हैं। चित ज्ञान स्वरूप होते तो पूछते क्यों, चित माने ज्ञान होता है, तो क्या इतना भी पता नहीं कि पक्षी नहीं बताएंगे, लताएं नहीं बताएंगे, गुल्म नहीं बताएंगे। बिल्कुल विपरीत दर्शन है परमात्मा से। किंतु कथा सुनी है तो कथा सुनने के कारण वो पहचान में गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं है। और कहीं वहां पो नहीं है चित्त में, मां ने कथा नहीं सुनी श्रद्धा ने, तो जलना पड़ा, लंबी बात है। तो भगवत कथा यदि सुनेंगे तो आएगी श्रद्धा, और श्रद्धा का परिपाक है, ध्यान दीजिएगा, रति। श्रद्धा का परिपाक क्या है, रति। जब हमारी कहीं श्रद्धा होती है तो उसके प्रति रति होती है। रति माने प्रेम, तो आप मानते ही हैं, भक्ति माने प्रेम माने, किंतु ये रति शब्द का प्रयोग भागवत में और रामायण में दोनों में एकांगी प्रीति के लिए कहा गया है। एकांगी प्रीति, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं वन साइड लव, एक तरफा प्यार। आप कहेंगे रति शब्द को एक तरफा प्यार में कैसे ले रहे हैं, पर्यायवाची रति और भक्ति प्रीति ये सब पर्यायवाची हैं। हमारे श्री संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज ने इसको एकांगी प्रीति में ही लिया है। कहां प्रयोग, कई जगह प्रयोग है। एक तो भैया भरत जब प्रयागराज में पहुंचे और गंगा मैया की धारा, जमुना की धारा देख करके श्री राघव की मां जानकी की स्मृति आ गई, तो तीर्थवर्ष से प्रयागराज से बोले कि क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, किंतु आर्त व्यक्ति अपने धर्म का विचार नहीं कर पाता, आज अपने धर्म का परित्याग करके मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मानो प्रयागराज ने कहा, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। मांग बड़ी अद्भुत है, जान ही राम कुटिल कर मोही, जान ही राम कुटिल कर मोही, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। देखिए कमाल की बात है, ये एक तरफा प्यार है। हम जिसके लिए राज छोड़कर आए, जिसके लिए मां छोड़कर आए, जिसके लिए संबंध तोड़ दिए, वो भी हमको प्रेमी न माने कि हम राम के प्रेमी हैं, वो हमको स्वयं समझें। जान ही राम कुटिल कर मोही, कि भरत कुटिल है, लोग कहें गुरु साहिब द्रोही, दुनिया के लोग कहें कि अपने स्वामी का, गुरु का ये दुश्मन है, किंतु हमको परवाह नहीं है। चाह क्या है, बोले सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सीताराम के चरणों में जो रति है वो अनुदिन आपके अनुग्रह से बढ़े, मेरे पुरुषार्थ से नहीं बढ़ सकती। मैं चाहता तो यही हूं कि अहर्निश उनका चिंतन हो, किंतु मेरे पुरुषार्थ का सामर्थ्य नहीं, आपकी कृपा का सामर्थ्य है। ये रति माने एक तरफा प्रेम। बाद में तो और गजब ढा दिया नारायण, अर्थ न धो मन काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान मुआन। जन्म जन्म रति राम पद, बस ये हमारा प्यार परमात्मा से हो जाए। किंतु मैं एक निवेदन कर दूं आप सबको, हमारे महापुरुषों की अनुभूति है, शास्त्र प्रमाण है,
कि संसार में रति रति रहती है, किंतु परमात्मा से की हुई रति भक्ति बन जाती है। आप संसार में किसी से प्यार करोगे तो हो सकता है वो एक तरफा ही रहे, हो सकता क्या लगभग एक तरफा होता ही है। देखो, हम धन से प्रेम करते हैं, धन हमसे प्रेम करता है। घर से हम प्रेम करते हैं, घर हमसे प्रेम करता है। ये पत्नी परिवार से हम प्रेम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप आज से गलत मानना चालू कर देना, किंतु अनुभव करना ये कोई भी आपको प्रेम नहीं करते, ये सब आपसे प्रेम करते हैं। आपसे सुख न मिले, आपसे प्रेम न मिले, आपसे सम्मान न मिले, आपसे धन प्राप्ति की कामना पूरी न हो, तो ये कोई भी आपको प्रेम करने वाले नहीं है। कितने लोग हमारे पास आकर कहते हैं, महाराज जी वो मेरी मां 10 साल से पर्यंक में पड़ी है, आप कोई मंत्र बता दो जो ऊपर चली जाए। क्यों भाई ऊपर भेजना चाहते हो? बोले बहुत दुख पा रही है। मैं कहता हूं वो दुख नहीं पा रही, दुख पा रहे हो तुम, क्योंकि तुमसे अब सेवा हो नहीं रही है, तो अपना दुख उन पर दुख डाल रहे हो। तो ये संसार का सारा संबंध खेल संसार का इसी प्रकार का है, किंतु भगवान के साथ यदि आप रति करोगे तो रति हो जाएगी भक्ति। भक्ति माने होता है उभयांगी प्रेम, कि हम भगवान से प्रेम करें तो भगवान हमसे प्रेम करें, और अगर हम भगवान के लिए रोए तो भगवान हमारे लिए रोए। भगवान की याद हम करें तो हमारी याद भगवान करें। आप कहोगे ऐसा भी होता है क्या? नारायण, होता है। और अभी मानस में इसी प्रसंग को लेकर के आपको सुनाने का मानस है कि भगवान भी अपने प्रेमियों के लिए रोते हैं, भगवान भी अपने प्रेमियों के संदेश पाने के लिए तड़पते हैं। और यही एक रसीला प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण में, जब हमारे जीवन धन कंस का उद्धार करने के बाद गुरुकुल अध्ययन करने के लिए गए उज्जैन में, क्योंकि उज्जैन में ही सांदीपनी गुरु रहते हैं। इसका भी कई कारण है। मैं जब भागवत पढ़ता था तो विचार करता था बार बार कि राम जी तो अध्ययन करने के लिए गए तो अपने आचार्य प्रवर के यहां वशिष्ठ जी महाराज के यहां गए, अगर श्री कृष्ण को अपने अध्ययन करने जाना था तो गर्गाचार्य जी महाराज के यहां जाते पढ़ने के लिए, अथवा गर्गाचार्य जी महाराज के यहां नहीं गए तो सांडिल्य महात्मा के यहां जाते, क्योंकि नंद बाबा के पुरोहित थे सांडिल्य और वसुदेव जी के पुरोहित थे श्री गर्गाचार्य जी महाराज। किंतु ये उज्जैन पढ़ने क्यों गए, क्या कारण है उज्जैन पढ़ने जाने का, ये सांदीपनी के यहां पढ़ने क्यों गए? कारण तो कोई ना कोई होगा, कहां मथुरा और कहां उज्जैन, ये कारण क्या है, इसकी संगति क्या है? वैसे तो शिवपुराण में भी इसकी संगति मिली हमको, किसी नंद बाबा के पूर्वज उज्जैन में रहते थे, ये शिवपुराण में वर्णन है। और इनकी सातवीं या आठवीं पीढ़ी पहले, नंद बाबा की आठवीं पीढ़ी पहले हनुमान जी महाराज ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी आठवीं पीढ़ी के बाद तुम्हारे यहां साक्षात भगवान आएंगे। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से, शिव पुराण के आधार पर मैं बोल रहा हूं, श्री नंद बाबा के यहां साक्षात परमात्मा बालक बनकर के आए। तो एक तो संबंध ये भी था, दूसरा संबंध एक कभी हमको एक संत चरण से सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। वो प्रमाणिक संत हैं, वो
इसलिए मैं मानता हूं कि वो भाव प्रमाणिक ही है और युक्तिक युक्त भी है। वो संत चरण ने सुनाया कि हमारे सांदीपनी अपने गुरुदेव की सेवा में थे, हमारे श्री ठाकुर जी के शिक्षा गुरु सांदीपनी बनी और उनके गुरुदेव को विद्या भूल गई, और जब विद्या भूल गई उनके गुरुदेव को तो सब के सब शिष्य उनको छोड़कर के चले गए, क्योंकि विद्या के लोभ पर थे कि विद्या अध्ययन करने को मिलेगा, गुरु जी पढ़ाने लायक रहे नहीं, सब शिष्य छोड़कर चले गए, किंतु सांदीपनी नहीं गए। उनको लगा कि अब गुरु जी की सेवा कौन करेगा, इसलिए गुरु जी का भी परित्याग नहीं करना है, और वो गए नहीं, उनकी सेवा में ही संलग्न रहे। 12 वर्ष के बाद उनके गुरुदेव को विद्या याद आ गई, स्मृति शक्ति आ गई। कई लोग होते हैं, अभी हमारे बरसाना में पूज्य श्री रमेश बाबा जी हैं, उनको सारी विद्याएं भूल गई थी, जो जितना उन्होंने याद किया था पढ़ा था सब कुछ भूल गया, फिर वर्षों के बाद श्री किशोरी जी की कृपा से सब विद्या याद आ गई। तो उनको सारी विद्या भूल गई थी, 12 वर्ष के बाद जब विद्या उनको याद आई तो उन्होंने पूछ लिया सांदीपनी से कि सब शिष्य चले गए थे, तुम क्यों नहीं गए, तुम यहीं हो हमारी सेवा में, तुम्हारा विद्याध्ययन नहीं हुआ, तुम घर नहीं जा सके। तो सांदीपनी की आंखों में आंसू आ गए कि गुरुदेव आपको ऐसी स्थिति में छोड़कर जाने का मानस नहीं था, लगा कि कौन सेवा करेगा, इसलिए मैं बना रहा अपना कर्तव्य समझ करके। गुरुदेव ने कहा कि अब तुम्हें अध्ययन करा पाऊं ना करा पाऊं, किंतु तुम्हें आशीर्वाद हम देते हैं कि तुम्हारे यहां साक्षात भगवान शिष्य बनकर पढ़ने आएंगे। ये गुरु सेवा का प्रतिफल। तो भगवान सांदीपनी के यहां शिक्षा अध्ययन करके 64 दिन में 64 प्रकार की विद्याएं अध्ययन करके आए, और श्री मथुरा में आकर के ब्रजवासियों की बहुत याद करते हैं। वैसे कई लौकिक कवियों की भी कविताएं हैं, भाव हैं, वो अपनी दृष्टि से इस घटना को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से लिया है। एक लौकिक कवि ने तो यहां तक चित्रण किया कि एक दिन प्रातःकाल संध्या वंदन करने के लिए हमारे श्री गोविंद विश्राम घाट पर बैठे हुए थे, क्योंकि यज्ञोपवीत संस्कार हो गया है, गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके आ गए हैं, तो हमारे ठाकुर त्रिकाल संध्या करते हैं, करना भी चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को त्रिकाल न हो सके तो 2 बार तो करनी ही चाहिए। यज्ञोपवीत यदि हो गया है तो संध्या वंदन करते थे, तो संध्या वंदन कर रहे थे कि तो अकस्मात श्याम सुंदर के नासिका में श्री किशोरी जी के अंग की सुगंध आई। श्री श्यामा जी के जब अंग की सुगंध आई तो बेचैन हो गए, श्यामा जी यहां गई क्या, किशोरी जी यहां गई क्या, और आंख खोल करके हमारा परिता खोजने लगे, चारों तरफ देखने लगे, किंतु किशोरी जी कहीं नहीं थी। बाद में फिर गायत्री मंत्र बैठ करके जपने लगे, आंख बंद थी, माला चल रहा था, अर्थ अनुसंधान हो रहा था, फिर एक पवन का झोंका आया और पवन के झोंके में महाराज अंग संबंध समाई हुई थी, पुनः चित्त वृत्ति उधर खिंच गई, बाद में माला नहीं कर पाए, उठ गए और यमुना के किनारे किनारे वृंदावन की स्मृति में खो गए। तब तक यमुना की कुछ लहरों ने आकर के श्री कृष्ण के चरणों में कुछ पुष्पों को चढ़ाया, और जब कमल के पुष्पों को चढ़ाया, श्याम सुंदर ने उठा करके जो मस्तिष्क से लगाया, उन कमल के पुष्पों में श्री किशोरी जी के अंग की सुगंध थी। कारण यह था कि गोपियां लाकर के पुष्प तोड़कर श्री किशोरी जी को अर्पित करती थी, और श्री श्यामा जी
एक एक पुष्प को प्रणाम करके मस्तिष्क से लगा करके यमुना में प्रवाहित करती थी। अरे यमुने, इन पुष्पों को कभी जीवन भर गोविंद के चरणों में पहुंचा देना, शायद उनको कभी हमारी याद आ जाए। कबहू तो दीन दयाल के जनक पड़ेगी कान। आज वही जब संकल्प मानो श्याम सुंदर के चित्त में काम कर गया और यमुना ने ये पुष्प पहुंचाए तो श्याम सुंदर के झरझर 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 आंसू बहने लगे। यशोदा मैया की याद, नंद बाबा की याद, गोपियों की याद, सबकी याद में चित्त भराया। बड़े दुर्बल थे तब तक भगवान श्याम सुंदर के मित्र, परम भक्त, परम वैष्णव। मैंने कई जगह खोजा है, उसके आधार पर कहूं तो सबसे ज्यादा अंग संग रहने वाले श्री भक्त जो हैं श्री उद्धव हैं। उद्धव जी महाराज जितना श्री कृष्ण के साथ रहे हैं कोई नहीं रहा है, न गोपियां, न कोई पटरानियां, न कोई दूसरा पार्षद। बचपन से श्री उद्धव जी महाराज, भागवत के तृतीय स्कंद के आधार पर तो कहूं, 5 वर्ष की उम्र थी और श्री कृष्ण की प्रतिमा से ये खेल रहे थे, पूजा कर रहे थे। मां जब भोजन के लिए बुलाने आती थी, बाल भोग के लिए बुलाने आती थी तो ये मना कर देते थे कि अभी हमारी पूजा पूरी नहीं हुई है। वैसे तो हरिवंश पुराण के आधार पर श्री वसुदेव जी के एक भाई थे जिनका नाम था देवभाग, और देवभाग के पुत्र थे श्री उद्धव जी। भागवत में इनको बृहदवल भी कहा गया। तो वसुदेव जी के भाई के पुत्र होने के कारण चाचा के पुत्र हो गए, तो चाचा के पुत्र होने के कारण इनके चचेरे भाई लगते। कई संप्रदाय में श्री उद्धव जी को श्री कृष्ण का चाचा भी स्वीकार किया है, किंतु हरिवंश पुराण के आधार पर, भागवत के आधार पर तो यही मानना उचित है, लीला के आधार पर भी, कि श्याम सुंदर के ये भाई हैं। किंतु श्याम सुंदर के प्रति इतना प्रेम है और श्याम सुंदर भी इनको बहुत मानते हैं। भागवत में तो यहां तक है, भगवान ने स्वयं कहा है कि उद्धव हमसे अणु मात्र भी न्यून नहीं है। अणुपि मन न्यूनो, क्यों अणु मात्र भी न्यून नहीं है? क्योंकि इनको कभी विषयों में रहना नहीं है। पूरे जीवन भर श्री उद्धव जी महाराज कभी विषय के आश्रित नहीं हुए। और उद्धव शब्द का अर्थ सीधा साधा यदि किया जाए तो उत्हव है यज्ञ, शव नहीं सव है। सव और शव में फर्क है। सव माने यज्ञ है और शव माने मुर्दा है। यह सकार और शकार भेद से बदल जाता है खेल। तो हमारे एक महात्मा तो कहते थे, उद्धव उसका नाम है, जैसे माधव है ना, माधव, माधव माने क्या होता है? माया का पति। तो जो माया का पति है वो माधव है, और जिसने श्री कृष्ण को अपना पति बना लिया हो उसका नाम उद्धव है। और दूसरी बात मैं निवेदन और कर दूं, उत्तर भारत की तो परंपरा ऐसी नहीं है, किंतु दक्षिण भारत की परंपरा है। दक्षिण भारत में जहां जहां मंदिर बनते हैं तो मंदिर बनते समय 2 प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। एक प्रतिमा में ऐसी प्राण प्रतिष्ठा होती है कि वह मंदिर के गर्भगृह से बाहर नहीं जाती, और एक प्रतिमा ऐसी होती है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा चल होती, वो अचल, ये चल, ये उत्सव में निकल निकल करके जाती है। प्रत्येक मंदिर में आप चाहे दक्षिण भारत पुरानेश्वर चले जाइए, श्रीरंगम चले जाइए, अपने तिरुपति बालाजी चले जाइए, सब जगह 2 मूर्तियां हैं। एक उत्सव मूर्ति है,
उत्सव मूर्ति ही उत्सव में निकल करके आती है। अपने आप जाएंगे रामेश्वर तो देखेंगे, और रोज रात्रि में संध्या आरती के बाद भगवान शंकर पाली पालकी में बैठ करके भगवती के मंदिर जाते हैं, वहीं विश्राम करते हैं। पार्वती के मंदिर में जाकर के, पास में ही मंदिर है, मैं तो वहां कई दिन रहा हूं इसलिए मुझे वहां का पता है। फिर सुबह भी आरती के बाद वहां आते हैं, फिर बाद में अभिषेक आदि होता है। तो उत्सव मूर्ति है, तो जो गर्भगृह में मूर्ति रहती है वही उत्सव में निकल कर आती है, दोनों एक ही है, अलग नहीं है। तो उद्धव और श्री कृष्ण दो नहीं है, केवल लीला के लिए दो हैं, अभिनय के लिए दो हैं, वैसे दोनों एक हैं। तो ऐसे श्री उद्धव जी महाराज जब पहुंचे तो भगवान ने उनका हाथ पकड़ा, गृहित्वा पानी ना पानी प्रपन्नार्ति हरो हरि। किंतु इसके पहले हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने शब्दों में श्री उद्धव का परिचय दिया है। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः। मैं निवेदन करूं, भगवान उसका नाम होता है जिसमें छह होते हैं गुण, भग हो, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसस्त्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सर्वनाम भग इतीर्णः। भगवान के तो छह भग होते हैं और यहां से उद्धव जी के लिए नौ अर्थों का प्रयोग किया गया है। छह से ज्यादा नौ है, तीन है तो पूर्णांक की ही है। इसकी विशेषता है उद्धव जी महाराज की। और उद्धव जी महाराज के हाथ पकड़ करके जो भगवान ने अपने प्रेमियों के लिए भाव अभिव्यक्त किए हैं, सच कहें उन भावों को सुन करके, उन भावों को पढ़ करके अपना हृदय भी पिघलता है और अपने हृदय में भी भूख जगती है कि हम भी कभी भगवान से मिले, ऐसे भगवान से हमारी भी कभी मुलाकात हो। इसलिए अब की बार ये प्रसन्न चयन किया गया है और इसका ही प्रतिपादन होगा 5 तारीख तक। छठवे को तो शायद यहां से भाग जाएंगे हम, संयोग ही बन गया। पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति आदर, गीता प्रश के प्रति आदर, जब हमारे पास श्री खिमका जी का फोन आया तो हमने कहा कि जरूर मैं कुछ करता हूं, खींचाता नहीं, क्योंकि कुंभ था, कुंभ में कथाओं की मांग थी, किंतु वहां एक ही कथा देकर 7 तारीख से इधर चला आया। तो 7 अपने ये शेष दिन जितने दिन बचे हैं इनमें हम श्री उद्धव ब्रजगमन के माध्यम से, ठाकुर जी ने यदि चाहा तो भ्रमर गीत तक तो होगा ही होगा। भ्रमर गीत भागवत का बहुत रसीला गीत है, गोपियों के 5 प्रेम गीत हैं जो अपने में बहुत अद्भुत हैं। प्रथम है पूर्वानुराग का गीत, प्रेम गीत। दूसरा गीत है प्रणय गीत। तीसरा गीत है गोपी गीत। चौथा गीत है युगल गीत। और 5वां गीत है भ्रमर गीत। ये भ्रमर को देख करके जो गोपियों ने गीत गाया है उस गीत का नाम है भ्रमर गीत। बहुत रसीला है, भावपूर्ण है, हम इस रस में रोज डूबेंगे, सच में रस में डूबे देने वाला है, हमारे चित्त को तो बहुत खींचता है। इसकी चर्चा हम लोग कौन सा सुनेंगे, शेष चर्चा कल होगी। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में यही प्रार्थना, हमारी मति हमारी रति हमारी गति एकमात्र उन्हीं के चरणों में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंद में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम।